अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रेन। चैप्टर नंबर थ्री की जो ना रिवीजन है, चैप्टर नंबर थ्री का नाम है लॉगरिथम्स और 3.1 एक्सरसाइज जो है वो इसमें एमसीक्यूज आएंगे उसमें से, और 3.2 एक्सरसाइज में से आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 से मैंने स्टार्ट लिया है, दे आर बिट डिफिकल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, और जो उसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला पार्ट है log x 32 is equals to negative 1/5 मैंने लिखा है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम लिखेंगे यहां पर सिंस log 32 बेस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/5 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर इसको हम चेंज करेंगे, देयरफॉर चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम x इज इक्वल टू 32 पावर 1/5 हम देंगे, 32 पावर 1/5, ठीक है। और हमें यहां पर आपको पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है 32, उस 32 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। किस तरह हम फैक्टर फाइंड करेंगे? आपको पता है कि 32 के आप फैक्टर इस तरह फाइंड करें, 2 16 2 8 2 4 2 2 1। तो हमारे पास ये जितने भी 2 रखे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5, तो हम यहां पर इस तरह करके लिख सकते हैं 32 इज इक्वल्स टू 2 raised to 5, ठीक है। अब 32 रिप्लेस हो जाएगा, 32 रिप्लेस हो जाएगा 2 raised to 5, और होल पावर जो ऑलरेडी गिवन है वो हम सेम रखेंगे 1/5, वो हमने रख दिया। अब हमारे पास ये जो 5 है और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x की जो यानी वैल्यू है 2 raised to -1 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि जिस नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है हम उसको नीचे लेकर आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तब हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2, और ये x का आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में चलते हैं। एक और क्वेश्चन है मैंने यहां पर लिखा है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज इट इज प्रोसेस से होंगे, जिसमें हमने 11 में जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया था या जो मेथड हमने किया था। अभी हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसमें जो है ना आपके पास वही मेथड यूज करेंगे, मगर इससे पहले हमारे पास यहां पर जो है ना एक्स था, अब अननोन जो है यहां पर बेस की सूरत में आया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही मेथड अप्लाई होगा। आप देखिएगा सिंस लॉग बेस ए 3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू a रेस्ट पावर 1/2, और आपको पता है 1/2 इट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, ये आपको पता है कि 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब हम यहां पर जो ना 3 इज इक्वल टू a के ऊपर स्क्वायर रूट हम दे सकते हैं। और एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट गिवन है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन है, ये स्क्वायर रूट जब हम यहां से रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बिना हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है, ये जो साइन है ये हम चेंज करेंगे, यहां से हम जैसे क्रॉस कराएंगे इक्वल साइन से तब यहां पर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास a यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू हो गई 9, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन। एक और मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किया था वो 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन के बाद मैंने 15 और 16 जो है स्किप किए हैं, इसलिए कि 14 की तरह ही जो है 16 और 15 होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई होगा, थोड़ी सी सिचुएशन इसमें थोड़ी चेंज है, उसको गौर कीजिएगा। यहां पर सॉल्यूशन इज इक्वल, यहां पर हम लिखेंगे सिंस
since log 25 बेस रूट 5 है, बराबर जो है ये y के है, ठीक है। अब हम यहां पर therefore इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां पर 25 is equals to y, 25 is equals to रूट में हम 5 लिखेंगे, रूट में 5 लिखेंगे और होल पावर हम देंगे y, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये 25 हम सेम रखेंगे, ये 25 हम सेम रखेंगे इज इक्वल्स टू यहां पर 5 के ऊपर। आपको पता है इस 5 के ऊपर जो है ना यहां पर एक स्क्वायर रूट गिवन है, जिस तरह मैंने यहां पर पहले लिखा था कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब यहां पर भी जो हम 1/2 देंगे और होल पावर हम कर देंगे y, ठीक है। जो ये मैंने 1/2 दिया है, ये जो मैंने 1/2 दिया है ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर ये 25 जो लिखा हुआ है, 25 को मैं 5 स्क्वायर करके लिख सकता हूं, वो आपको पता है क्योंकि 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बोथ आर सेम, ठीक है। इज इक्वल टू जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 5 के ऊपर पावर है और ये होल पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पर हम 5 हम रखेंगे, उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई होंगे तब हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो होगी y अपॉन 2। और यहां पर आपको पता होना चाहिए इस ये इक्वल साइन है, क्या है ये इक्वल साइन है, इक्वल के इस तरफ और उस तरफ दोनों बेसिस सेम है। यहां पर एक मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, जब भी आपके पास a इज इक्वल टू a और उनके पावर्स आपके पास यहां पर डिफरेंट है, ठीक है ना, पावर्स डिफरेंट है x और y, जब ऐसे सिचुएशन हो तब इक्वल हो जाएंगे आपस में, इनके पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब यहां पर भी हमारे पास ये 5 है, जिस तरह यहां पर a लिखा हुआ है ये 5 है आपके पास, तब इनके बेसिस सेम है, तब हम क्या करेंगे पावर्स इनके आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर, अब हम जो है यहां पर जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पर y को 2 जो है डिवाइड कर रहा है, यहां आके स्क्वायर की सॉरी यहां पर y अपॉन 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो लिखा हुआ है यहां आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब हम यहां पर इस तरह करके लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 हो गया। ये y की वैल्यू है, आप बता